हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक ऐसे विषय की ओर हम सबका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ जिसको कि हम लोग जानते हैं बट जानते हुए भी उस पर विचार नहीं करते। हम सभी लोगों ने हिंदी हिस्ट्री 10th क्लास तक तो सबने पढ़ा है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, सबने हिस्ट्री में पढ़ा है और 8th क्लास तक तो सबने ही पढ़ा है। हम लोग के टाइम में 9 से ही सब्जेक्ट डिवाइड हो जाता था, लेकिन फिर भी क्लास 8 तक हिस्ट्री सबने पढ़ा है और उसमें कुछ सामाजिक बुराइयों के बारे में तो आपने अवश्य ही पढ़ा होगा। चाहे आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, आप हम सबने पढ़ा है कुछ सामाजिक बुराइयों के बारे में और खासकर सती प्रथा, बाल विवाह के बारे में पढ़ा है कि राजा विधवा विवाह के बारे में कि राजा राम मोहन ने बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का अंत किया और उन्होंने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी बाल विवाह उस पर रोक लगाकर सरकार ने भी कानून बना के इस पर रोक लगाया और इस टाइप की बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा है। लेकिन क्या आपने और किसी धर्म के सामाजिक बुराइयों के बारे में अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में या अपने किसी भी स्टेट बोर्ड की बुक्स में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। ये जानबूझकर कुछ इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसे सिलेबस बनाए गए जहाँ की सिर्फ हिंदू धर्म और हमारे ही शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हमारी ही चीजों को गलत ढंग से हमें परोसा गया और हम लोग उसी को पढ़ते रहे कि ये सामाजिक बुराइयां थी, ये सामाजिक, और यहाँ तक कि सिर्फ पुस्तकों में ही क्यों, हमारे सिनेमा में भी यही दिखाया गया। हमारे सिनेमा में जबकि आजकल बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति और भी जो अन्य सामाजिक बुराई, अगर सामाजिक बुराई है तो चाहे किसी भी धर्म की हो, अगर वो गलत है तो वो गलत है, उस पर रोक लगना चाहिए। आज लोकतंत्र का समय है और लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, तो आजकल कुछ और भी धर्म की बातें और जो अन्य धर्मों की भी जो बुराइयां हैं, जैसे कि आप इस्लाम में जानते हो तलाक तलाक करके महिलाओं को तो वहां पे कुछ मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है जैसे लगता है। क्या वजूहात की वजह से मेरे खाबिंद ने, मेरे शौहर ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दिया है? अनफॉर्चुनेट, उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं, मैंने इसको तलाक नहीं देना था, मुझे इसको वापस लेकर के आना है, अपने निकाह में फिर से शरीक करना है, तो मेरा निकाह किसी और से करवाया जाएगा। अब वो चाचा ससुर हो सकते हैं, वो मामा ससुर हो सकते हैं, वो देवर हो सकता है, वो जेठ हो सकता है। तो हलाला सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता है कि हमें सिर्फ किसी दूसरे मुसलमान मर्द से शादी करनी है, उनके साथ इंटीमेट रिलेशन भी करना है, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन करके फिर वो दूसरा मर्द मुझे तलाक देगा, तब मुझे पहला शौहर मुझे अपनी निकाह में वापस लेगा। इसको कहते हैं हलाला। तब आप इसको कहें कि क्या ये मुसलमान बेटियों के साथ नंगा ना, हलाला जैसी बुराई, तलाक और हलाला एक दूसरे के साथ ही साथ चलते हैं। तलाक दिया, फिर पुनर्विवाह करना है उसी स्त्री के साथ, तो उसका हलाला कराया। और इससे घटिया और किसी भी धर्म में स्त्री का अपमान नहीं किया गया जितना कि यहाँ पे किया गया है। लेकिन इसके बारे में तो हमें किसी एनसीईआरटी की बुक में, किसी स्टेट बोर्ड की बुक्स में नहीं पढ़ाया गया कि ये सामाजिक बुराइयां हैं, इस पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये जाने कब से चला आ रहा है। माना कि ये लोग हमारे देश के नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, ये बाद में आए, लेकिन है तो इस देश में कई सौ सालों से यहाँ वो रह रहे हैं। जब वो यहाँ कई सौ सालों से रह रहे हैं और स्त्री के सम्मान की बात आती है, तो चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, उसकी सम्मान की रक्षा होनी चाहिए और इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं इन पर भी रोक लगना चाहिए। सरकार ने तो कानून बना दिया, लेकिन सरकार ने कानून बनाने के बाद भी क्या है, सरकार द्वारा बनाए गए इन कानूनों का ये लोग पालन करें, ये लोग मान रहे हैं इन चीजों को, नहीं मान रहे हैं। तो जागने की जरूरत है और इन किसी भी बुराई का अंत अगर करना है तो शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। तो इनके बारे में भी पढ़ाओ, इनके बारे में भी बताओ, सब लोग जाने, सब जागरूक हों कि ये गलत है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी नहीं खुल के बोलती हैं कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। आप खुद सह लेती हैं, लेकिन आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ, आपके धर्म के लोग इस तरह की सामाजिक बुराइयों के नाम पे और समाज और धर्म के नाम पे उनके साथ जो इस तरह की चीजें होती हैं, इससे घिनौना और कुछ नहीं हो सकता। जो हलाला वाली जो बात है, इसके बाद भी अगर आप लोग चुप रहते हैं और आप सहते हैं तो बड़े शर्म की बात है।